तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर से एक पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जो कि आज एक खबर निकल कर आई है महाराष्ट्र के भीतर से AIMIM पार्टी के लिए, जो कि कुछ महीने पहले जो कि पार्टी के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई थी, और पार्टी के एक बड़े नेता जो कि पार्टी को छोड़कर चले गए थे, और फिर से वो पार्टी में वापसी उनके द्वारा किया गया है। और आज मैं मुंबई के पूर्व अध्यक्ष AIMIM पार्टी के फैयाज अहमद साहब के बारे में बात करने वाला हूँ। जो कि फैयाज अहमद साहब जो AIMIM पार्टी के एक बड़े नेता है, जो पार्टी को एक जमीनी स्तर पर लाने का काम किया उनके द्वारा, और भाई खल्ला जो मुंबई के भाई खल्ला है, वहाँ जो वारिस पठान साहब जिससे भाई खल्ला से MLA बनकर विधानसभा महाराष्ट्र के भीतर पहुंचे थे, उसी भाई कला से फैयाज अहमद साहब जो कि पहले कई सालों से पार्टी के लिए वो काम करते हुए नजर आ रहे। पहले कांग्रेस में वो शामिल थे, उसके बाद से फिर वो AIMIM पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद से पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने, जमीन पर पार्टी को लाने का काम किया, और फिर लगभग 1-1.5 महीने पहले कुछ अनबन हुई जब सीट शेयरिंग को लेकर बात चली। उसके बाद से अभी मुंबई में एक नए अध्यक्ष जो रईस लश्करिया साहब को बनाया गया, उसको लेकर के बात चली। जब ये इस्तीफा दे दिए, उनके बाद से फिर उनको नियुक्त किया गया अध्यक्ष पद पर। जब फैयाज अहमद साहब अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे दिए AIMIM पार्टी के, तो मैं इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। जो कि AIMIM पार्टी और फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली के अकबरुद्दीन वैसी साहब की मौजूदगी में, और इम्तियाज जलील साहब की मौजूदगी में, और मलकपेट के MLA AIMIM पार्टी के तेलंगाना में जो कि अहमद बराला साहब की मौजूदगी में, फैयाज अहमद साहब उन्होंने पार्टी के दामन को फिर से थामने का काम किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अपनी तरफ से इल्जाम लगाने का काम किए, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हो, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब पर हो। आपको पता ही है कि कोई भी नेता जब कोई भी पार्टी छोड़ता है तो बड़े बहुत सारे इल्जाम उनके तरफ से लगाए जाते हैं, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी, और नीचे की जो नेता होते हैं उनके ऊपर भी, जो लोकल नेता होते हैं उनके ऊपर भी। तो इनके तरफ से भी वही किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद से फिर पार्टी छोड़ने का इन्होंने ऐलान किया। और रीजन बताया कि मैं अध्यक्ष हूँ फिलहाल मुंबई का, और ये टिकट मांग रहे थे विधानसभा 2024 का, विधानसभा हो रहा है महाराष्ट्र के भीतर वो चुनाव लड़ने के लिए। तो जो भी बात हुई उसके बाद से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन उस सीट को जो भाई खल्ला की सीट है जहां से वारिस पठान चुनाव लड़ते आ रहे हैं लगभग 2-3 टर्म से AIMIM के टिकट से, तो उस सीट को भी होल्ड किया गया, वहां से भी किसी को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि वारिस पठान जो कि काफी बड़े नेता है, नेशनल प्रवक्ता है AIMIM पार्टी के, लेकिन फिर भी बाकी 5 सीटों का ऐलान कर दिया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, लेकिन भाई खल्ला की जो सीटें हैं उनको भी होल्ड पर रखा गया था। तो अभी ये खबर निकल कर आई है, और इसी सीट को लेकर सारा मामला हुआ था कि हमको कैंडिडेट यहाँ से बनाया जाए। फैयाज साहब को अपनी तरफ से इन्होंने कहा कि वारिस पठान को कैंडिडेट न बनाया जाए, क्योंकि ये 2019 का चुनाव हार चुके हैं, और हारने का इन्होंने अपना रीजन बताया कि वो क्षेत्र में दिखते नहीं है, लोगों के बीच वो दिखते नहीं है, हमेशा वो बाहर ही रहते हैं, लोगों के बीच वो काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी रीजन इन्होंने देने का काम किया। और आज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जब भी पार्टी से कोई बड़े नेता अगर निकल कर चले जाते हैं तो पार्टी के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ जाती है, क्योंकि ये एक बड़े नेता है भाई खल्ला की अगर बात करते हैं मुंबई में, इसकी अच्छी खासी पकड़ है, और पार्टी के लिए भी इन्होंने AIMIM पार्टी के लिए भी अच्छे खासे इन्होंने काम किए थे। और ये फैयाज अहमद साहब है जो पूर्व अध्यक्ष AIMIM पार्टी के है, इन्होंने अपना अंदाजा भी लगा लिया था कि हमें यहाँ से टिकट दिया जाएगा, और हो सकता है कि इनको ऊपर से ऑफर भी कुछ साल या कुछ महीने पहले दिया रहा होगा। फिलहाल इनको जब ऐसा उम्मीद लगा, ऐसा इनको एहसास हुआ कि मुझे यहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा, इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन आज पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या वारिस पठान साहब मानेंगे, अगर इनको वहां से विधायकी का जो अभी चुनाव हो रहे हैं असेंबली का, तो अगर इनको टिकट दे दिया जाता, अभी तो ऐसे खबर है कि दे दिया गया, लेकिन किसी
जो बड़े बड़े नेता है भाई, एम पार्टी के ऑफिशियल किसी भी सोशल मीडिया पर मैंने देखा नहीं है कि इनको टिकट कंफर्म कर दिया गया है। हाँ, इतना कंफर्म हुआ कि ये पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जनाब अकबरुद्दीन उवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, मलकपेट के MLA जो अहमद बलाला साहब की मौजूदगी में इन्होंने AYM पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। लेकिन कंफर्म ये नहीं हुआ कि इनको टिकट भाई कल्ला से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या ऐलान कब किया जाएगा। तो ऑफिशियली ऐलान अभी नहीं हुआ है। जब भी होगा कि किन को टिकट भाई खला से दिया जाएगा, फैयाज साहब जो ये है पूर्व अध्यक्ष MIM पार्टी के है, या पूर्व MLA जो वारिस पठान साहब है उनको दिया जाएगा। क्योंकि एक ही जगह भाई खला की अगर हम बात करते हैं तो दो बड़े नेता हो गए MIM पार्टी के भीतर, दोनों काफी बड़े नेता है, बड़े चेहरा है, तो थोड़ी सी पार्टी के लिए दिक्कत हो जाती है। तो वो तो पार्टी को निर्णय लेना, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है कि किनके पक्ष में यह फैसला देना है। फिलहाल यह खबर है कि फैयाज साहब MIM पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं और अब यहाँ पर खुशी का माहौल कार्यकर्ता उनके समर्थक के लिए यह खबर है। क्योंकि जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा वो ना हो सकेगा और एक साथ सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता, जो भी गुटबाजी जो है वो खत्म हो जाएगी। जब एक झंडे तले चुनाव लड़ेंगे तो सारी गुटबाजी है वो खत्म हो जाएगी। तो आज की यही खबर है MIM पार्टी के लिए, अच्छी खबर है महाराष्ट्र के भीतर से, भाई खला के से, मुंबई के भीतर से, कि मुंबई के पूर्व अध्यक्ष फैयाज अहमद साहब को MIM पार्टी ने मना लिया है, या जिस जिस तरीके से भी हो पार्टी में वो फिर से आ चुके हैं, पार्टी का दामन थाम चुके हैं, पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और ये पार्टी के लिए भी, फैयाज अहमद साहब के लिए भी ये अच्छी खबर है। आगे जो भी अपडेट होगा फैयाज साहब को लेकर के, या पार्टी ने इनके लिए क्या फैसला किया, जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये खबर सोशल मीडिया के अलग अलग जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब का हो, चाहे अकबरुद्दीन उवैसी साहब का हो, या ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हो, ये सब पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि इनकी तस्वीर डाली गई है और वहां से बताया गया क्या कि पूर्व अध्यक्ष फैयाज साहब MIM पार्टी में शामिल हो चुके। तो चलिए आगे से फिर आपसे मिलता हूँ कोई और नई अपडेट के साथ।